मौजूद हैं, जी हाँ, भटिंडा में। इस गिद्दे के अंदाज से आप समझ गए होंगे हम मालवा पंजाब में भटिंडा में मौजूद हैं। सबसे पहले तालियों के साथ स्वागत कीजिए भटिंडा की जनता का। जल्दी से सर, आप लोग थोड़े से लेट चल रहे हैं, जल्दी जल्दी अपनी कुर्सी पकड़िए, जल्दी जल्दी निकलिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जवाब होने हैं। लेकिन उससे पहले, चूंकि हम भटिंडा में है, पांचवा सबसे बड़ा शहर पंजाब का है, तो ये हरसिमरत कौर बादल की लोकसभा सीट, लेकिन इस बार किस तरफ चलेगी मालवा की हवा, इसी पर है सबकी नजर। बहुत दिलचस्प बातें आपको बता दें, शायद भटिंडा के लिए बड़ी जीत है कि यहां पर एम्स की घोषणा कर दी गई है, एम्स का अस्पताल अब भटिंडा में बन रहा है। लेकिन फिर भी उस पर तालियां इसलिए नहीं बज रही हैं क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं भटिंडा के लोगों के दिमाग में, बहुत सारी परेशानियां हैं जिन पर वो सवाल पूछना चाहते हैं। लेकिन चूंकि हमने आज गिद्दे के साथ शुरुआत की थी, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, पंजाब का जरा रंग भी तो देश में पहुंचे, ये कौन सा गिद्दा है? क्योंकि हमने तो अभी तक देश भर में देखा था कि महिलाएं गिद्दा करती हैं, हम यही जानते थे, ये मालवा का कुछ स्पेशल गिद्दा है क्या? ये गिद्दा मालवे का मर्दों का गिद्दा है जी। अच्छा। क्योंकि लड़कियों का गिद्दा तो हर कोई देखता है। हाँ। हर स्टेट में होता है लड़कियों का डांस, लेकिन जो पंजाब का ये डांस है मर्दों का गिद्दा। सबसे पहले पुराने समय में इसको बाबे का गिद्दा भी कहा जाता था। अच्छा। क्योंकि वहाँ बुजुर्ग बोलियां पाते थे, बुकचू बजाते थे, टोल बजाते थे खेतों में। हाँ। लेकिन जब जब तब्दील होता गया, आज तक हम इस मलवई गिद्दे का नाम दिता गया। तो मलवा जी, ये जो मलंग अंदाज है मलवई गिद्दा का, एक बार जोर से दिखा दीजिए, हमारे दर्शक पूरे देश में देखें कि क्या है ये अंदाज और कैसे है ये निराला। इससे ज्यादा सुंदर रंगों के साथ शुरुआत नहीं हो सकती। आप रहिए हमारे साथ, आपसे आगे भी बातचीत होगी, पंजाब को कुछ और जानेगा देश, पंजाब को समझेगा कुछ और देश। लेकिन अभी तो छिड़ी हुई है यहाँ पर सियासी जंग। इससे पहले कि भटिंडा के लोग नेताओं से सवाल पूछें, आइए आपको दिखाते हैं, आज लांबी यानी प्रकाश सिंह बादल के गढ़ में पहुंचे अरविंद केजरीवाल। लिख कर दिया आज तक को कि 100 से ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी को आ रही हैं। खास बातचीत की है उनसे आज तक ने, क्या कहा इस बातचीत में अरविंद केजरीवाल ने, आइए पहले सुन लेते हैं। हर पिंड के अंदर एक एक पिंड क्लिनिक बनेगा। आपके अपने असेसमेंट में ऐसा क्या है जो आम आदमी पार्टी के लिए वर्क कर रहा है पंजाब में? नतीजे क्या होंगे वो तो अभी थोड़ा समय है उन्हें आने में, 4 तारीख को वोटिंग होगी, पर आपके अपने असेसमेंट में ऐसी क्या चीज है जो लोग पसंद कर रहे हैं, इतनी सारी जनता क्यों सुनने आ रही है? जिस तरह से मैं इस चुनाव को देख रहा हूँ, ये चुनाव पार्टियों और नेताओं से बहुत दूर जा चुका है। ये चुनाव अब केजरीवाल के हाथ में नहीं है, कैप्टन साहब के, बादलों के, भगवंत मान के, फुलका जी के, इनके हाथ में नहीं है। ये कांग्रेस, अकाली दल, आम आदमी पार्टी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव अब जनता के हाथ में पहुंच चुका है। जनता मन बना चुकी है, ये चुनाव उम्मीद का चुनाव है, होप का चुनाव है। पंजाब आज बिल्कुल त्रस्त है, नशे की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से, बेरोजगारी की वजह से बुरी तरह से त्रस्त है। जनता को उम्मीद चाहिए, कौन उम्मीद देगा? कैप्टन साहब उम्मीद देंगे? नहीं देंगे। कैप्टन साहब को जनता ट्राई भी कर चुकी है और जनता देख रही है, कैप्टन साहब तो बादलों की रिश्तेदारी है इन लोगों की, आपस में मिलकर करते हैं। केवल आम आदमी पार्टी के अंदर वो उम्मीद दिखाई देती है, क्यों देती है? 2 साल से दिल्ली में ईमानदारी से काम कर रहे हैं, खूब काम किए, जनता ने वो देखा। तो जनता, ये पूरा का पूरा चुनाव इस बार जनता लड़ रही है और उम्मीद का चुनाव है। आपकी तरफ से कुछ भी फ्री बीज नहीं मिलने वाली है लोगों को, बस, लेकिन आपने जैसे कहा कि जो भी जायज चीजें हैं, पेंशन है, ये आटा दाल स्कीम है, आटा दाल स्कीम को बढ़ाया भी जाएगा। आटा दाल स्कीम में जो अभी गंदा अनाज लोगों को मिलता है वो साफ सुथरा अनाज होगा, उसमें उनको वही आटा मिलेगा, उसी आटे की रोटी केजरीवाल भी खाएगा और उसी आटे की रोटी आम आदमी भी खाएगा। लैपटॉप देंगे, लैपटॉप स्टूडेंट्स को। हाँ। अखिलेश वाला फॉर्मूला उनको आपको लगता है यहाँ पे भी चलेगा? नहीं, जो अच्छी चीज है उसको कॉपी करना चाहिए, लैपटॉप बच्चों को जरूरत है देंगे।
अच्छा ये बताइए कि जिस तरीके से आपकी जब भी आप यहाँ पे बात कर रहे हैं, चाहे कल वो राहुल गांधी थे या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने बार बार ये कहा कि दिल्ली में फेल हो गए, पंजाब को बेवकूफ बना रहे हैं। वो सब जानते हैं दिल्ली में कितने सारे काम किए। मैं इनवाइट करता हूँ मोदी जी को, राहुल गांधी जी को एक दिन मैं लेकर जाता हूँ, दिखाता हूँ उनको कि मोदी जी को दिखाते हैं कि ये मोहल्ला क्लिनिक है जो हम लोगों ने बनवाए और आपने इन मोहल्ला क्लिनिक के बनने में अड़चन अड़ाई। आपकी तमाम अड़चनों के बावजूद हमने ये मोहल्ला क्लिनिक बनाए, आपकी तमाम अड़चनों के बावजूद हमने बिजली के दाम आधे किए, आपकी तमाम अड़चनों के बावजूद हमने पानी मुफ्त कर दिया दिल्ली के अंदर, आपकी तमाम अड़चनों के बावजूद हमने किसानों को 20,000 रुपए किले का मुआवजा दिया, आपकी तमाम अड़चनों के बावजूद हमने इतने खूबसूरत गवर्नमेंट स्कूल्स बनाए, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लेके आए। आई चैलेंज देम, कम एंड आई विल टेक देम अलोंग। एनआरआईज उनको कहना चाहता हूँ जी, मोदी जी को, कि जरा सा दिखाएं कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, गुजरात में, जहाँ उनकी सरकारें हैं, उन्होंने क्या काम किया। तीन काम गिना दें कोई जो उन्होंने किए 15-15 साल से, अब तो उनकी सरकारें हैं। मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूँ कि 10 साल तक केंद्र में उनकी सरकार थी, पंजाब में नशा बट रहा था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्यों नहीं रोका नशा। यहाँ पे ईडी को भेज के, सीबीआई को भेज के क्यों नहीं रोका नशा। अब बड़ी पंजाब की याद आ रही है चुनाव के पहले। उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, कर्नाटक में उनकी सरकारें हैं, चार काम अच्छे गिना दे जो उन्होंने किए। मैं इतने सारे काम गिना रहा हूँ। एनआरआईज आए आपकी तरफ से कैंपेन करने के लिए, सबने ये बोला कि कहीं ना कहीं जो भी जिस तरह का सपोर्ट आपको मालवा रीजन में मिल रहा है पंजाब के, वो अक्रॉस स्टेट नहीं है, दुआबा में नहीं मिल पा रहा, वो आपको माझा में नहीं मिल पा रहा, उसका क्या क्या रीजन आपको दिखता है? ये आप ही लोग बताते हो, वो सपोर्ट तो सभी जगह है, वो भी पंजाब का हिस्सा है। माझा के अंदर सबसे ज्यादा नशा पीड़ित लोग हैं, माझा के अंदर सबसे ज्यादा झूठे पर्चे किए हैं इन लोगों ने। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, हम सबके झूठे पर्चे वापस लेंगे, नशे से पंजाब को बचाएंगे, सबको भरोसा है। आर यू कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट है कि तीनों रीजन में आपको इतना ही मिलेगा, या फिर मालवा जैसा रिपीट करने में थोड़ा वो वैसा रिपीटेशन नहीं हो पा रहा बाकी दोनों जगह? जैसा मैंने कहा, ये चुनाव जनता लड़ रही है। ऐसा मतलब माझा के लोगों को किससे उम्मीद है? कांग्रेस से उम्मीद है, कैप्टन से उम्मीद है, वो करेंगे, सवाल ही नहीं उठता। बोला जाता है कि अरविंद केजरीवाल का जो पैसा बाहर से आ रहा है उसमें खालिस्तानी लोग उनको समर्थन दे रहे हैं, जो पंजाब और देश के खिलाफ के लोग हैं वो उनको समर्थन दे रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? एनआरआई के बारे में भी यही बातें कही दोनों, अकाली ने भी और कांग्रेस ने भी। अगर हमारा एक भी पैसा इलीगल है, अगर होता, आपको लगता है मोदी मुझे छोड़ देता? रातों रात मोदी मुझे उठा के जेल भेज देता। जब कुछ नहीं होता उसी में इतना कुछ कर देते हैं मोदी जी मेरे खिलाफ। अगर मेरा एक नए पैसे का कुछ गड़बड़, अब ये कैप्टन साहब और सुखबीर बादल दोनों एनआरआईज को आतंकवादी बोल रहे हैं, इज इट फेयर? एनआरआई तो अपने ही लोग हैं, अपने देश के लोग हैं, वो बाहर क्यों गए? आपने पंजाब को लूट लिया, आपने पंजाब किसी लायक नहीं छोड़ा, मजबूरी में वो लोग बाहर काम करने गए, अब वो अपने पंजाब को ठीक करने आने देना आना चाह रहे हैं, तो आप उनको आतंकवादी बोलते हो? एक इस तरह का नैरेटिव चलाया जा रहा है, स्पेशली अकाली जी कह रहे हैं कि जो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस हैं उनको वो इनको बढ़ावा दे रही हैं, डीस्टेबलाइज करना चाहती हैं पंजाब। हाँ, उनको सारे एनआरआई एक्सट्रीमिस्ट नजर आ रहे हैं, उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं कि ये जो एनआरआई आ रहे हैं सारे एक्सट्रीमिस्ट हैं, सारे टेररिस्ट हैं, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। बार बार अरविंद एक बात ये जरूर हर जगह उठकर आई कि पंजाब में जब अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, अब कल कप्तान साहब को घोषित कर दिया गया चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट, पहले तो ये बताइए कि उसका आप कैसा असर देखते हैं आप चुनाव पे? एक्चुअली चार दिन पहले आपको क्या लगता है क्यों जरूरत पड़ी इनको करने की? चुनाव के चार दिन पहले इनको सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करने की क्यों जरूरत पड़ी? बुरी तरह से हार रहे थे तो इनकी मीटिंग हुई, मीटिंग में फिर इन लोगों ने डिसाइड किया यार ये ट्राई करके देखते हैं, शायद इसी से कुछ हो जाए। अब हालत ये हो गई है कि उनको सीएम तो क्या, पीएम कैंडिडेट भी डिक्लेयर कर दो तो भी कुछ नहीं होने वाला। आपको लगता नहीं है कि उससे कहीं ना कहीं थोड़ी कंसोलिडेशन होगी उनके फेवर में? आपकी तरफ से कोई सीएम कैंडिडेट नहीं है अकाली की? सिटी हार रहे हैं, पटियाला में कल आप थे, जनता से मैंने देखा आप लोग बात कर रहे थे, जनता कह रही थी कि खुद ही हार रहे हैं। तो जब वो सीएम कैंडिडेट ही रह जाएंगे, वो एमएलए भी नहीं बन पाएंगे इस बार। आपकी खांसी लौट आई है? हाँ हाँ, थोड़ा स्ट्रेस की वजह से, काम ज्यादा है इस वजह से। आखिरी कुछ दिन रह गए,
मैं आपसे ये भी जानना चाहता था, अब आपके बड़े सारे वीडियोस और ऑडियो आए पंजाबी में, कितनी मेहनत लगी आपको इस लेवल पे पहुंचने में कि लोग आपकी बात समझ सके पंजाबी में? तो ये देखिए, हम मौजूद है बठिंडा में और ये कम से कम 5-6 मॉनिटर इधर, 5-6 मॉनिटर इधर, सभी आज तक लाइव देख रहे हैं और आज तक ही देखते रहेंगे, सवाल आपके लेंगे। लेकिन आप सबने केजरीवाल साहब को सुना अभिभाषण देते हुए, क्या कहना था, क्या समझ में आया उनकी बात से? मैं सुनना ही नहीं चाहता था उनको। ठीक है, आप नहीं सुनना चाहते थे, आप बोलिए क्या रिएक्शन है? केजरीवाल कहता है यहाँ पे नशा नशा पंजाब में, उसको पूछने वाला हो दिल्ली में तुम्हारी सरकार है वहाँ पे शराब के ठेके में कितने करोड़ रुपए खा गया। चलिए ठीक है, हर तरफ की आवाज आ रही है, इधर से कोई बोलना चाहता है? शराब दिया फैक्ट्रियां कालिया ने लिया जी, साढ़े इतने बहुत प्रदूषण है, बहुत ज्यादा कालिया ने शराब दिया फैक्ट्रियां लिया, कि ना कोई विकास होया कुछ भी, किस तरह का विकास नहीं होगा। दिनों दिन साढ़े घर साढ़े गुरु ग्रंथ साहब ने कहा घर घर धर्मशाला, इन्होंने घर घर शराब वाले टेके बनाए हुए। बठिंडा पूछेगा सवाल, देना होगा नेताओं को जवाब। सबसे पहले तालियों के साथ स्वागत कीजिए उन मेहमानों का जो यहाँ पर पहुंचे हैं जवाब देने के लिए। जर्नैल सिंह साहब आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार, तालियों के साथ स्वागत कीजिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपके सवालों का सामना करने के लिए पहुंचे हैं, वरना कई पार्टियां तो ऐसी है किसी को भेजते नहीं है, आप समझ सकते हैं वजह क्या होगी। जगरूप सिंह साहब जो कि जगरूप सिंह गिल जी हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे सामने हैं। मोहित गुप्ता जी बीजेपी के नेता, बीजेपी के प्रेसिडेंट यहाँ पर बठिंडा के, तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। बठिंडा के लोग सवालों के साथ पूरी तरह से तैयार हैं और धारदार तलवार की तरह सवाल है, लेकिन उससे पहले बात राहुल गांधी की। जलालाबाद पहुंचे सुखबीर सिंह बादल उप मुख्यमंत्री, जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर बादलों पर जमकर बरसे राहुल गांधी, सुनिए। पंजाब का दंगल आखिरी पड़ाव में है, दिग्गजों की रैलियां बढ़ रही, वादों की धार बढ़ गई है, साथ ही वार और पलटवार की स्पीड भी बढ़ गई है। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी जलालाबाद यानी पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर बादल के गढ़ में पहुंचे तो जमकर हमला किया। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हिंदुस्तान में इस प्रदेश में होता है, और अगर उस भ्रष्टाचार का कोई चिन्ह है, कोई निशान है, तो उसका नाम सुखबीर बादल है। पंजाब में लड़ाई आमने सामने की नहीं, बल्कि इस बार आम आदमी पार्टी की भी चुनौती बढ़ी है। सफाई कर्मचारियों से जाके पूछिए, दलितों से जाके पूछिए केजरीवाल जी के बारे में। सफाई कर्मचारियों ने मुझे कहा कि केजरीवाल जी ने हमें बाहर कमरे से बाहर फेंका, वोट ले गए, मगर अपनी मार्केटिंग में जितना पैसा डाला, एडवर्टाइजिंग में जितना पैसा डाला, उतना पैसा ना गरीबों को दिया, ना दलितों को दिया, ना सफाई कर्मचारियों को दिया। कांग्रेस को आजकल एक बड़ा स्टार भी मिला है, नवजोत सिंह सिद्धू। पता नहीं इस बार सिद्धू का करिश्मा कितना चल पाएगा, लेकिन फिलहाल उनके जुबानी हमले की धार बरकरार है। आज केजरीवाल साहब ने पूछना चाहना, मैं तो गया सी सर्वस्व छट के, मैं तो गया सी चार बार का एमपी के, दसो साल रोल दसो पंजाब नु किदा चुकना है, ते ऐसा दरिया पट्टू आंदा सिद्धू साहब तू चार करेलियां रोलियां कर ली, तेरी घर वाली नु लड़ा देंगे, चल तू पासे हो जी, वाह तेरे वाह केजरी। सत्तारूढ़ अकाली दल का भ्रष्टाचार और नशीली दवाओं की जकड़ विरोधी पार्टियों के लिए दो अहम मुद्दे हैं। कांग्रेस को जीत का भरोसा है, लेकिन आम आदमी पार्टी की रफ्तार कुछ और ही तस्वीर सामने रखती है। सुप्रिया भारद्वाज, जलालाबाद, आज तक। तो राहुल गांधी का भी भाषण हमने आपको सुना दिया, बठिंडा की जनता क्या कहती है राहुल गांधी पर, जल्दी से एक बार बातचीत हो जाए। आपने सुना उनका पूरा भाषण, क्या कहेंगे? नहीं, राहुल बारे कुछ नहीं बोलना चाहूंगे। नहीं बोलना, पसंद नहीं सानू जी बंदा, क्या पसंद नहीं है हमें वो। ठीक है, इधर से कोई बोलना चाहता है राहुल गांधी के भाषण, जल्दी आइए। श्री बोल के पप्पू है उसको बस। सवाल है कि उनकी नीतियों के खिलाफ अगर आपको कुछ बोलना है वो बोल। राहुल गांधी बहुत बढ़िया युवा नेता है, और इन्होंने जो बठिंडा में आकर ये बात कही भी, तेरा तेरा, और अकाली कहते मेरा मेरा, हर इंडस्ट्री में
हर इंडस्ट्री में सुखबीर बादल अपना हिस्सा डाला जाता है और हर हर इंडस्ट्री में उसका हिस्सा है, माइनिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में और मतलब बाकी हर इंडस्ट्री में हिस्सा है। और कल कल वो लाहौर का बोर कैसा है, बांट रहा क्या, ये बोलो उसने कितनी जमीन खाई, लोगों की हैरानी कितना करा, ये बाड्रा जी का नाम लेते हैं, ये बाड्रा ऐसे इस वक्त गर्म है यहाँ पर सियासी माहौल। एक ब्रेक के लिए हम राज तिलक में रुक रहे हैं लेकिन आप समझ गए होंगे कि सियासी माहौल कितना गर्म है और सवाल कितने गर्म होने वाले हैं। राज तिलक का कारवां पहुंच गया है अमृतसर से भटिंडा। भटिंडा यानी खूबसूरत तालाबों का शहर, भटिंडा यानी मालवा पंजाब में एक ऐसा शहर जो पंजाब का पांचवा सबसे बड़ा शहर है। लेकिन इसी के साथ बहुत सारी दिलचस्प बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। एम्स यहां पर बन रहा है, रेस थी कि दोआबा के किसी हिस्से में या फिर भटिंडा में नया एम्स बनेगा, वहां पर बाजी मार ली भटिंडा ने। भटिंडा इसलिए भी मशहूर है क्योंकि यहाँ पर हरसिमरत कौर बादल सांसद चुनी गई है। इसके साथ ही भटिंडा इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि किसानों के नजरिए से देखें तो ये पूरा मालवा का जो इलाका है यहाँ पर किसान किस तरफ झुकेंगे ये महत्वपूर्ण होगा। इसी के साथ तमाम पार्टियां पूरी ताकत मालवा में इसलिए भी झोंकती हैं क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें इसी मालवा इलाके में है। खूबसूरत शहर, पंजाब का पांचवा सबसे बड़ा शहर, बड़ी ऑयल रिफाइनरी यहाँ पर है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, लेकिन क्या है भटिंडा मालवा पंजाब के असल मुद्दे, ये जानने चलते हैं शहर में। ये भटिंडा शहर है, आज तक पंजाब के इस मालवा क्षेत्र की ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहा है। मुद्दे क्या हैं, लोगों की जरूरतें क्या हैं और नेताओं से वोटरों की उम्मीदें क्या हैं। भटिंडा का बस स्टेशन, भीड़ भाड़ वाला इलाका, कुछ लोगों से यहाँ जानते हैं कि मुद्दे क्या, आपको क्या लगता है सर कौन से मुद्दे सबसे बड़े हैं, क्या सोचकर वोट डालने यहाँ के लोग जाएंगे? विकास की आई, विकास, विकास का मतलब क्या होता है आपके? विकास बहुत गलियां नालियां बन गया, पक्कियां मोटरां दे कनेक्शन मिले, एयरपोर्ट बनाई बठिंडे, एयरपोर्ट, एयरपोर्ट जो बड़ा बना आपको पसंद आया, अस्पताल आ गया जी, अस्पताल एम्स, एम्स बहुत दूर जाते दिल्ली जाते थे, चंडीगढ़ पीजीआई जाते थे, अब इतने इलाज होने शुरू हो जाएगा। एम्स के घोषणा से आप बहुत खुश हैं, आपको लगता है एम्स है, एम्स एयरपोर्ट आपको लगता है बड़ी उपलब्धियां हैं। कुछ लड़के कुछ युवा यहां पर है, आप लोगों को क्या लगता है मेन इश्यूज क्या है, क्या सोचकर लोग वोट डालने जाते हैं यहां भटिंडे में? यहां भटिंडे में सब मेन मुद्दा तो है बेरोजगारी का, ठीक है, हम यंग जनरेशन के लोग हैं तो और हम कह रहे हैं कि हमें नौकरी दी जाए, यही मेन मुद्दे हैं यंग जनरेशन के। तो एक वक्त किसानी भटिंडा की पहचान थी, वक्त बदला तो तस्वीर भी बदली, कपास और गेहूं की फसलों के बीच आधुनिक उद्योगों ने अपनी जगह बना ली, पावर और सीमेंट प्लांट भी खुले, फर्टिलाइजर और ऑयल रिफाइनरी प्लांट शहर की शान बन गए और अब तो भटिंडा में एम्स बनाने की भी तैयारी हो रही है। उद्योगों की वजह से भटिंडा की सूरत बदली लेकिन खेती किसानी की अहमियत कम नहीं हुई, भटिंडा आज भी उत्तर भारत में कपास और खाद्यान्न के बड़े बाजारों में गिना जाता है। ये अंदाज भी निराला है, पटियाला भटिंडा स्टाइल है, ये दिखा दीजिए इसको, इसको क्या बोलते हैं जो इसको, ये निकाल के दिखाइए हमारे दर्शकों को, इसको क्या बोलते हैं? इसको बुकचू बोलते हैं जी। अच्छा, और पुराने बुजुर्ग इसनु बुतकू भी बोलते सन से, और इसी से वो जादुई आवाज निकलती है जिस पे लोग थिरकते हैं। चलिए अब सवालों की बौछार, नाच गाना बहुत हो गया, अब सवाल और फिर नेताओं को देना होगा जवाब। चलिए सवाल, मैं जरनैल सिंह जी से पूछना चाहता हूँ भी दिल्ली छड़ के तुसी पंजाब दे विच आए हो, जड़ी सीट दिल्ली तो जीती है उन्होंने लोगों का की बनूंगा? अच्छा, अब मेरी एक गुजारिश है सर, आपकी पंजाबी बहुत अच्छी आप सबकी, पर प्लीज हिंदी में पूछिएगा, हिंदी चैनल है, देश भर के लोग देखेंगे, ठीक है? अब इनके सवाल का जनरल साहब जवाब दीजिए। दिल्ली में जिस सीट से मैं लड़ता था, रजौरी गार्डन से मैं जीता, हाँ,
उसमें 40% सिख हैं और 70% पंजाबी हैं। जब भी बात करते थे वो कहते थे पंजाब में जो हालात हैं उनके रिश्तेदारियां हैं, अगर माँ हमारी रो रही हो। मैं फत्तू डींगा गाँव में आया था पिछली बार, तो वहाँ पर मुझे एक लड़के ने हाथ जोड़े, बोला कि हमें चिट्टे से बचाओ। मुझे उस वक्त पता नहीं था चिट्टा क्या होता है, क्या होता नशा है? तो मैंने कहा क्या हो गया? उसने कहा मेरे 3 दोस्त 1 महीने में सिंथेटिक ड्रग के टीके लगा के मर गए हैं, 4th की अर्थी को मैं कंधा नहीं दे सकता। मुझे लगा पंजाब कुरला रहा है, विलाप कर रहा है कि इसको बचाओ। आज एक बहुत सीरियस कंसर्न है पंजाब, पंजाब फेल स्टेट होने वाला है। 1,00,000-2,00,000 करोड़ का कर्जा सिर के ऊपर, नशे का 6वां दरिया बह रहा है, 10,000 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। उस पंजाब को अगर आज हम नहीं बचाएंगे, अगर आज हम नहीं सोचेंगे, अगर आज हम नहीं लड़ेंगे तो फिर कैसे होगा? ये हमें करना पड़ेगा। ये मुद्दा बहुत बड़ा है, अंजना जी ठीक है, आप इनसे सहमत नहीं है। मेरा एक सवाल है, मेरा बात पूरी करने दो। आप में से कितने लोग मानते हैं कि आज नशा पंजाब का सबसे बड़ा मुद्दा है? हाथ उठाइए, मैं बात पूरा कर दिखाइए। ज्यादातर लोग उठा रहे हैं, अंजना जी यहाँ पर कुछ लोग नहीं उठा रहे। मैं बात पूरी कर लेता हूँ। लोग इसमें उठा रहे हैं, पीछे सुबोध जी पीछे दिखाइए, इधर दिखाइए। ज्यादातर लोग ये देखिए इस हिस्से में ज्यादातर लोग हाथ उठा रहे हैं सवाल पर। अब अन्य सवाल लेते हैं। आपने सर कांग्रेस का ये पहना हुआ है, नेता को जवाब देने दीजिए, जनता को सवाल पूछ दीजिए। पूछो, आपका सवाल हो गया, आप पूछिए। ये मोदी जी से कहते थे कि नोटबंदी सबसे बड़ा मुद्दा है, आज ये दोनों पार्टियां नोटबंदी क्यों भूल गई? नोटबंदी क्यों भूल गई? ये आप बीजेपी से पूछना चाहते हैं या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से? कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप जवाब दीजिए सर। नोटबंदी पे घेरना छोड़ दिया आपने बीजेपी को? नहीं, नोटबंदी उत्ते घेर रहे हैं असीं उन्हां नूं थां दे उत्ते जदों इलेक्शन दा कैंपेन चल रही है। हिंदी बोल दियो। हम जब कैंपेन में जाते हैं तो हम लोगों को ये बताते हैं कि राइट टू जो कॉन्स्टिट्यूशन दे विच राइट टू प्रॉपर्टी साडा राइट सी, साडे अपने हमारे जो अपने बैंक में जो पैसे हैं हम वो भी नहीं निकलवा सकते। जे ये कह रहे हैं नहीं भूले बार हुआ है किसी सरकार, ये कह रहे हैं कि ये नहीं भूले हैं नोटबंदी का मुद्दा। जल्दी से क्योंकि आप बीजेपी के लिए भी सवाल है। पहली बार हुआ है सरकार में, पहली बार हुआ है कि राइट टू प्रॉपर्टी को खत्म कर दिया, हम अपने पैसे भी नहीं निकलवा सकते। पहली एक और सवाल। मेरा सवाल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों से है, जब से ये प्रचार शुरू हुआ है इन्होंने पंजाब को नशे में बदनाम कर दिया कि पंजाब का यूथ 75% नशेड़ी है। मैं पूछना चाहता हूं, जो पंजाब का यूथ सेना में सबसे आगे है क्या वो नशेड़ी है? ये क्या कोशिश करना चाहते हैं? ये पंजाब को बदनाम करना चाहते हैं क्या? जवाब दीजिए। मैं देता हूं जवाब दीजिए। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसकी आप बात कर रहे हो कि एम्स जैसा हॉस्पिटल खुलेगा, उसी एम्स की ये रिपोर्ट है कि पंजाब में 9,00,000 से ज्यादा ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं और जो अब्यूज्ड हो चुके हैं उनकी भी संख्या। हाँ, राहुल गांधी जो कहते हैं कि 75% उनको नहीं मालूम पंजाब के बारे में, इतने बड़े लेवल पर नहीं, लेकिन ये गंभीर समस्या है। जो वर्ल्ड एवरेज है उससे 6 गुना समस्या है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपने एम्स की बोलने दी, आपने एम्स की बात की है, एम्स की बात की है। गुप्ता साहब मैं आऊंगी सर, मैं आऊंगी थोड़ा सा। गुप्ता साहब ऐसे एक सेकंड सवाल तो सुना ही नहीं सर, जवाब लपक लिया। मेरा सवाल सुनिए सर, एक सेकंड। अंजना जी जो ये बात कर रहे हैं मुझे एक बार इनका नहीं सबका जवाब दीजिए। ये जो नशे की बात उठ रही है इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब ये है कि अकाली और बीजेपी गठबंधन की सरकार ने आंखें बंद रखी, आपके प्रशासन आपकी पुलिस ने ऐसे लोगों की मदद की जिसकी वजह से नशे का ये पूरा कारोबार पंजाब में फला फूला। बहुत सारे राज्य हैं अंजना जी, बहुत सारे राज्य हैं, लेकिन वहां पर युवा इतने प्रभावित नहीं हुए क्योंकि नेक्सस नहीं था ऐसा। इस नेक्सस का जवाब दीजिए अंजना जी। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे 300-400 लोग बैठे हैं, क्या कोई एक भी आदमी हाथ खड़ा करके कह सकता है भी वो नशेड़ी है? दूसरा पंजाब में पीछे पुलिस की भर्ती हुई, पंजाब में पुलिस की भर्ती हुई जिसमें 6,13,000 नौजवानों ने एप्लीकेशन फॉर्म फाइल किए। पंजाब सरकार ने फैसला किया कि उस भर्ती में हर नौजवान का डोप टेस्ट होगा। आपको ये जानकर खुशी होनी चाहिए कि पंजाब के 1% से भी कम जो लोग हैं उस डोप टेस्ट में फेल हुए। जब डोप टेस्ट होना है तो वो क्यों आएंगे जो नशा करते हैं? क्यों नहीं आएंगे जी? ये पंजाब का
ये पंजाब का अंजना जी सिर्फ इन लोगों ने, क्योंकि आप पार्टी का एक ही मूल मंत्र है मकबूल, ऐसी हवा चलाएंगे देश को आग लगाएंगे। इन्होंने देश को पंजाब को बदनाम करने का काम केवल आपने किया है। अगला सवाल मुझे देखिए, मुझे जनता के सवाल ज्यादा लेने हैं, मेरा जवाब आ जाने दीजिए। जवाब आ जाने दीजिए। ये डिनायल मोड में जरनैल सिंह जी बात कर रहे हैं नशे की, इनको शर्म आनी चाहिए कि इन्होंने दिल्ली में महिलाओं के लिए भी ठेके खोलने का काम किया है। ये बात कर रहे हैं नशे की, इन्होंने सबसे ज्यादा जो पंजाब को बर्बाद करने का काम किया है। पंजाब को धकेलने का मेरा सवाल जरनैल सिंह जी से है, अगर आपकी सरकार आती है तो आपका सीएम कौन होगा और क्यों होगा? जवाब दीजिए जरनैल साहब। मुझे लगता है इसीलिए मैं एक बार पंजाब के लिए ताली बन जाए, एक सेकंड, पंजाब के युवाओं में कितनी राजनीतिक समझ है, इधर देखो, लड़ाई में मत उलझो, पंजाब के लड़कों में देखिए कितनी राजनीतिक समझ है। जो सवाल हर पत्रकार पूछना चाहता है इसने बड़े सटीक तरीके से, एक बार तो पंजाब की राजनीतिक समझ के लिए तालियां बजा लीजिए, तालियां बजा लीजिए। और लड़ाई झगड़ा नहीं सर, आपसे भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज जवाब दीजिए। पहली बात घुमाइएगा मत सर, दिल्ली से पटियाला लखनऊ भटिंडा मत ले जाइएगा, सीधा सवाल। आप मुझे एक मिनट दीजिएगा। पहली बात कि हमारा सीएम जो होगा ना तो करप्ट होगा, ना क्रिमिनल होगा, ना करेक्टरलेस होगा। थोड़ी जवाब हुआ सर आपका, पहली बात ये थोड़ी जवाब हुआ सर। वन मिनट सर, दूसरी बात मैं पूछना चाहूंगा, आप छोड़ दो पंजाब का कोई केंद्र नहीं है, आपका सीधा जवाब लड़के ने पूछा क्या आप दे रहे हो क्या, मैं डायरेक्ट पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, जब जब महाराज नहीं नहीं जनरल जी इस दर्द को आप समझिए, ये वाला सर्टिफिकेट तो हर पार्टी देती है। हमारा जो मुख्यमंत्री होगा वो बिल्कुल ही ईमानदार व्यक्ति होगा। ये कौन नहीं बोलता सर, में इलेक्शन हुआ, झारखंड में इलेक्शन हुआ, हरियाणा में इलेक्शन हुआ, उस समय राजस्थान में इलेक्शन हुआ, तब आपने बीजेपी ने कोई सीएम का चेहरा लेके आई था? ठीक है, आप बीजेपी आपका आदर्श बन गया है। फिर कह रहा हूँ पगड़ी वाला होगा, पंजाबी होगा, पगड़ी वाला होगा, और हम पंजाब में जीतेंगे और विधायक हमारे चुनेंगे, सीएम कौन होगा? सत्ता में आने के बाद, सियासत में आने के बाद जो बीजेपी करती है वही हम भी करेंगे, ये अब नया नियम है आम आदमी पार्टी का। कुछ और लोगों के सवाल, जल्दी आइए जल्दी। अब आप नहीं पूछते हो हमारा सीएम होगा, इनसे बेहतर होगा किससे? तीनों पार्टियों से। पॉल्यूशन को लेके इतना बड़ा प्रॉब्लम होता है हर साल हर सीजन में, बट तीनों ही पार्टियां कभी भी कोई एक्शन नहीं लेती हैं। तीनों ही पार्टियों से क्वेश्चन है मेरा, आप पॉल्यूशन कर, ठीक है, इसी पे जुड़ा हुआ आपका भी सवाल था, जल्दी से। 75% में आग लगती है धान कटने और कनक कटने के बाद, सभी ने सांस लेना है, नेताओं ने, अफसरों ने, आम लोगों ने, इनकी कोठियों के सामने आग लगती है, हाई कोर्ट पीट पीट के मर गया, कोई नहीं बोलता है, सभी ने सांस लेना है। पंजाब इस स्थिति में खड़ा है, 41% में खेती करता है, 35 लाख हेक्टेयर में आग लगती है, कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलते, इस पे क्यों चुप्पी साधते हैं गुप्ता जी? अंजना जी हाँ, शायद मेरे छोटे भाई को थोड़ा सा ज्ञान कम है, भारत सरकार ने पराली के पे जो आग लगती है उस पे बहुत सख्त एक्शन लेते हुए पंजाब में पहला सेकंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट बठिंडा में लगाने का काम किया है, जिसका एक महीना पहले नींव पत्थर रखा जा चुका है। गांव नसीबपुरा में 1200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट पराली से, जिसको जो जलाने की बात कर रहे हैं, सरकार है नींव पत्थर रखने वाली। एक बार आइए आपको सुना देते हैं, जब जरा सा शांति रखनी होगी, सुखबीर बादल ने आज क्या कहा एक बार सुन लीजिए, फिर चर्चा और सवाल और लेंगे। पंजाब के लोग बहुत सियाने हैं, वो समझते हैं अपने कौन है पराए कौन, उनने हमारी डेवलपमेंट देखी है 10 साल में, जो हमने काम किए हैं, पावर सरप्लस किया, रोड नेटवर्क बनाए, शहरों की डेवलपमेंट की है, गांव की डेवलपमेंट कराई है। आप पंजाब में बैठे आए हैं, फर्क देखा नहीं, कितनी अच्छी रोड्स बन रही हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, पावर सप्लस, लोग काम चाहते हैं, लारे नारे नहीं चाहते, उनको मालूम है कि परफॉर्मेंस बेस पे हमने पिछली बार सेकंड टर्म लिया और परफॉर्मेंस बेस पे हम थर्ड टर्म की दावा कर रहे हैं। सारी एजेंसीज ने स्क्रूटनाइज कर लिया, एक बार भी उनको कोई चीज़ कमी नहीं निकली, तो फिर इसके आरोप किसकी चीज़ के हैं? आपको चाहिए पॉलिटिशियन जो लोगों अपने छुपा के रखता है कि जो सबकी जो उसकी सारी चीज़ें स्पष्ट हैं? हमारी ट्रांसपोर्ट कंपनी 1947 की है, जब देश आज़ाद हुआ था तब से हम बिजनेस में हैं। हम नवजोत सिद्धू जैसे थोड़ी हैं कि जो बकाऊ माल है
जो उसको पैसे देता है, जो उसको प्रपोजल देता है, उसके साथ जाता है। यही कांग्रेस का अपना कांग्रेस को गालियां निकालता था, बोलता था बीजेपी मेरी माँ है और जेटली साहब मेरे बाप हैं। अब उन्होंने चेंज कर दिया कि कांग्रेस मेरी माँ है और कैप्टन साहब मेरे बाप हैं। उसको तो जो जो ऑफर करेगा उसका माँ बाप ना लेता। कुछ और सवालों से शुरुआत करते हैं। सवाल इधर से सवाल पूछना चाह रहे, पूछे। मैं बीजेपी से और आपसे फोन पूछना चाहता हूं। एक तो अपना कैंडिडेट, अगर बीजेपी कहती है नशा नहीं है पंजाब में, तो नशा केंद्र खोलने की जरूरत क्या है? ऐसे है, मैंने कभी नहीं कहा कि नशा नहीं है। नशा समाज के हर वर्ग में, हर प्रदेश में है। नशा हर वर्ग में, हर प्रदेश में है। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने ये भी कहा कि 1% डोप टेस्ट में आए। जहां लड़कियों का भी हॉस्पिटल खोला जाए, नशा करती है अमृतसर में, किसी ने खोला जाए लड़कियों नशा ही नहीं है। सवाल पूछो सर, आप पीछे जाए सर, मैं आपके पास आऊंगी प्लीज। मैम, मैंने दीपक बांसल से 4 क्वेश्चन पूछे थे। जब अन्ना हजारा जी आंदोलन पर बैठे थे बठिंडा में, आंदोलन कहां पर हुआ था? वो बोले मुझे पता नहीं। मैं कितने बंदे थे? वो बोले मुझे पता नहीं। मैं कहा जहां पर रैली हुई थी अन्ना हजारे के हक में, मैं कितनी रैली हुई? वो बोले पता नहीं। मैंने उससे पूछा, अरविंद केजरीवाल से पूछा, नहीं सर, दीपक बांसल जी से पूछा, जहां पर जो बठिंडा के कैंडिडेट है आम आदमी पार्टी। मैंने उससे पूछा जहां पर भूख हड़ताल में बैठे थे बंदे, वो कहां पर बैठे? मुझे वो बोला पता नहीं। मैंने बोला आपको टिकट कैसे मिल गई? आपको 2 साल का इतिहास नहीं पता अपनी पार्टी का, आपको टिकट कैसे मिल गई? जर्नैल साहब, मुझे नहीं मालूम इनकी क्या लोकल उनके साथ गरज है, इनकी बात हुई कि नहीं हुई। आम आदमी पार्टी के अंदर कोई नया है या पुराना है? सीधी सी बात है, उसके ऊपर 3 C नहीं होने चाहिए, क्रेटरलेस नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल नहीं होना चाहिए और करप्ट नहीं होना चाहिए। हर पार्टी एक लॉलीपॉप दे रही है, मैं ये फ्री दे दूंगा। मेरा सवाल यही है जी, आप फ्री कहां से लेके आओगे? ये जो सब्सिडी आप दे रहे हो, जो फ्री आप बोल रहे हो, वो कहां से लेके आओगे? आप ही का पैसा होगा, टैक्स पेयर का पैसा होता है, इधर से लेते हैं उधर से दे देते हैं ताकि बीच में वोट लग जाए। दिल्ली का बजट 40,000 काम करते हैं, पहले काम करते हैं। पंजाब का बजट 80,000 करोड़ रुपए। एक सेकंड बैठ जाओ आप। एक बार इनसे पूछते हैं कि हमें बताएं तो क्या क्या फ्री दे रहे हैं, है ना? आप क्या क्या दे रहे हो फ्री? लैपटॉप और क्या क्या दे रहे हो सर? ना हम नहीं दे रहे जी, मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि दिल्ली का बजट 40,000 करोड़ का है, पंजाब का बजट 80,000 करोड़ का है, लेकिन इतनी ज्यादा करप्शन है यहाँ पर, मुझे पैसा नहीं बचा पाते। एक सेकंड भ्रष्टाचार के खिलाफ पारदर्शिता के हित में आप एक नई पार्टी ला रहे थे सर, आप भी वोटों के बाजार में वही लैपटॉप झुलाने लगे, वही फ्री बिजली झुलाने लगे। कौन सा तो फ्री? सवाल ये है कि देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी? हमने नौकरियां पैदा करने की बात की है, हमने बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाने की बात की है, हमने 5 लाख गरीब का इलाज कराने की बात की है, शगन स्कीम की बात की है। गुप्ता जी, उसके बाद आपके पास औद्योगिक इकाइयां बढ़ाने की बात की है, इंडस्ट्री बढ़ाने की बात की है, उनका ये सवाल हर पार्टी से, लॉलीपॉप जल्दी से, पंजाब को एक नंबर का सूबा बनाने की बात की है। पंजाब किसी भी स्टेट में जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं उनकी मदद होनी चाहिए। अगर किसान की स्थिति खराब है, किसान की मदद होनी चाहिए, इसमें कोई बात नहीं है। बीजेपी श्रोमणी अकाली दल की सरकार ने पिछले 10 साल में मैनेज करके दिखाया है और लोगों को सहूलतें भी दी हैं। 10,000 किसानों ने खुदकुशी कर ली और ये कहते मैनेज करके दिखाया, किसी एक के घर में गए ये लोग। जल्दी से आखिरी जवाब। अंजना जी, 2013 दे विच डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री सन, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने फूड सिक्योरिटी एक्ट लिया और उन्होंने लोगों की समस्या समझी, उसके तहत अभी कमिटेड हैं के जेड़े लोग गरीबी रेखा तो थले है उन्होंने वही आटा दाल की फ्री इन्हीं वादों और इन्हीं लॉलीपॉप जैसे आपने कहा, इसी के साथ हमें यहाँ का कार्यक्रम खत्म करना होगा। कल बारी होगी पटियाला की, पटियाला हम पहुंचेंगे गिद्धे के साथ अंत इस कार्यक्रम का।